एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में सीज फायर नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें इस वक्त सीज फायर है, लेकिन ईद के बाद यह नहीं बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक ईद के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ फिर से ऑपरेशन शुरू होगा। और राजन सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। राजन, ये जो आतंकियों की गतिविधि पिछले दिनों में देखने को मिली है, क्या इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से कल पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या हुई और कल ही सेना के जवान को अगवा कर जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, उसके बाद सरकार पर इस बात का दबाव है कि इसे सस्पेंशन ऑपरेशन को आगे नहीं बढ़ाया जाए। और इसके मद्देनजर ही सरकार के एक बड़े सूत्र का कहना है, बड़े अधिकारी का कहना है कि इसे अब नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी ईद के बाद ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर से चलेगा, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से सेना चलाएगी, आतंकियों के खिलाफ इस अभियान को चलाया जाएगा। और इस बारे में जब सूत्रों से मिली खबर के बारे में जब हमने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से सीधे सवाल किया तो उनका ये कहना था कि ये 16 तक तो लागू है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद क्या होगी वो इस पर 17 तारीख को बोलेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 17 तारीख को गृहमंत्री इस पर स्थिति साफ करेंगे कि आखिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लागू क्यों किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लेकिन आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया राजन सिंह इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल नरमी की भाषा आतंकी समझते भी नहीं, ऐसा हाल के दिनों में देखने को मिला भी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।